जय जिनेन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी धार्मिक संयोग को महाआयोजन के अवसर में परिवर्तित कर पुण्यार्जन करते हैं। ऐसा ही संयोग राजस्थान के करौली स्थित चांदनपुर के श्री महावीर जी में भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव के रूप में आया है। विगत दिनों 24 से 28 नवंबर 2022 के मध्य परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में भगवान महावीर स्वामी की 24 फुट खड़गासन प्रतिमा और परिकर युक्त 24 एवं नवग्रह अरिष्ट निवारक जिनालय प्रतिमाओं के आयोजित हुए भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में देश भर के भक्तों ने भरपूर आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, महामहोत्सव की मांगलिक क्रियाओं का आनंद उठाते हैं। राजस्थान के करौली स्थित चांदनपुर के श्री महावीर जी में 24 से 28 नवंबर 2022 के मध्य परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में भगवान महावीर स्वामी की 24 फुट खड़गासन प्रतिमा और परिकर युक्त 24 एवं नवग्रह अरिष्ट निवारक जिनालय प्रतिमाओं के भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया गया। पंच दिवसीय महामहोत्सव का शुभारम्भ हुआ देव गुरु की आज्ञा और भव्य खट यात्रा के साथ। नील गगन के तले शीश पे कलशों को ले। भव्य घट यात्रा के दौरान वातावरण और अधिक मनमोहक हो गया। पीली और केसरिया रंग की साड़ी में सिर पर स्वर्णिम कलशों को रख सौभाग्यवती महिलाओं ने मांगलिक आयोजन की छटा समूचे नगर में बिखेरी। घट यात्रा के दौरान गुंजायमान मांगलिक ध्वनियों ने सभी को झूमने को मजबूर कर दिया। घट यात्रा के साथ नगर में धर्म प्रभावना के उपरांत यात्रा मंदिर प्रांगण में पहुंची। मांगलिक आयोजन की आभा उस समय और प्रखर हो गई जब महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में तीर्थ पर पधारे राजस्थान के शासन नायक ने कार्यक्रम स्थल पर धर्म ध्वजा फहराकर सृष्टि के शासन नायक के चरणों में नमन किया और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्वजारोहण करने के बाद फिर सभी श्राविकाओं ने पांडाल शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं की। इसके साथ ही सौभाग्यशाली परिवार ने पांडाल उद्घाटन का सौभाग्य पाया। पांडाल उद्घाटन के बाद दीप प्रज्वलन चित्र अनावरण के साथ श्रावक श्रेष्ठियों ने महामहोत्सव की मांगलिक क्रियाओं की विधिवत शुरुआत की। मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत में मुख्य अतिथियों, वरिष्ठ पदाधिकारियों और सहयोगकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। सत्य है, अहिंसा है, वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य ईश्वर है, तो भगवान महावीर के संदेश को उन्होंने आत्मसात करके कहा था। अब समय था आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। धर्म ही उत्कृष्ट मंगल स्वरूप है, क्योंकि संसार के प्राणी सभी अपना मंगल चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और मंगल और सुख को प्राप्त करने का एकमेव कारण और साधन जो है वो धर्म ही है। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद पांडुशिला पर विराजमान श्री जी का श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। अभिषेक के बाद सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु की शांति धारा की। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय। अगली कड़ी में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने शुद्धिकरण के साथ साथ प्रथम दिन की अन्य मांगलिक क्रियाएं की। और चांदनपुर के इंद्र भाई मेगा आओ रे, चांदनपुर के इंद्र भाई
कार्यक्रम के बढ़ते हुए क्रम में विशिष्ट जनों, अतिथियों आदि का स्वागत अभिनंदन किया गया। अब समय था शोभा यात्रा का। सुंदर रथों पर सवार इंद्र, धर्मध्वजा लिए जैन उपासक एवं बैंड बाजों की धुनों पर नाचते थिरकते चल रहे असंख्य श्रद्धालु शोभा यात्रा को भव्य बना रहे थे। शोभा यात्रा के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु, गुरुवर एवं माता जी की आरती उतारी। बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो देवा जी। जम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। अगले क्रम में गर्व कल्याणक पूर्वाध प्रसंग के अनुसार सौधर्म इंद्र दरबार में पधारते हैं और अन्य इंद्रों की शंकाओं का समाधान करते हैं। देवराज इंद्र, सम्यक दर्शन होने से हम कौन कौन सी गति में जाते हैं, कृपया बताने का। हे देव, सम्यक दृष्टि जीव कभी नर्क, तिरछ, त्रियंच, नीच आदि गति प्राप्त नहीं होती। अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। इस पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ के यहाँ भगवान महावीर का जन्म होने वाला है। हे सची और मेरे प्रियजनों, सुनो, आज से 15 माह पश्चात जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में कुंडलपुर नगरी में महाराजा सिद्धार्थ की भार्या माता त्रिशला के गर्भ से तीर्थंकर का जीव जन्म लेगा। रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे, ओ देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, देखो स्वर्गपुरी अमृत बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे। और आज प्रभु जी के रंग में रंग गए, देखो इंद्रिय सारे, देखो इंद्रिय सारे, देखो इंद्रिय सारे। और आज करेंगे जो प्रभु भक्ति, वो है किस्मत वाले, वो है किस्मत वाले। आज प्रभु जी के दर्शन के बिन मन न किसी का तरसे, है रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे, ओ देखो इंद्रलोक में रंग बरसे, देखो इंद्रलोक में रंग बरसे, सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को स्वर्ग से बुलवाते हैं और उन्हें कुंडलपुर नगरी की रचना एवं व्यवस्था करने को कहते हैं। धनपति कुबेर कुंडलपुर नगरी की सुंदर रचना एवं व्यवस्था करते हैं। सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्ट देवियाँ माता त्रिशला की सेवा में लग जाती हैं। माता त्रिशला को गहरी नींद में रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देती हैं। सप्त सुंड युक्त हाथी देखा, ऐरावत मत वाला, अद्भुत वृषभ सपन में देखा, आयोजन के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत नित्य महा पूजन वंदन के साथ हुई। सभी भगवान को नमस्तु करिए, पंडित साहब को जय जय बोलिए। नित्य महा पूजन वंदन के बाद जैन उपासकों द्वारा प्रभु के अभिषेक के साथ ही शांति धारा की गई। धनेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय। अगले क्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। इसके साथ ही अन्य मांगलिक क्रियाएं की गयी। मंदिर में पूजा होवे तू हो और मैं होवा, मंदिर में पूजा होवे तू हो और मैं होवा। इसके बाद आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को कुछ इस प्रकार संदेश दिए। गर्भ और जन्म का कल्याणक इसलिए मनाया जाता है, यद्यपि उनकी आत्मा में सत्ता में बैठी हुई तीर्थंकर प्रकृति है, लेकिन केवल अकेली तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, उसके अलावा उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के साथ अनेक पुण्य प्रकृतियों का बंध किया है।
इधर दरबार में अचानक रानी त्रिशला के आने पर राजा सिद्धार्थ उनसे कारण पूछती हैं, तो रानी त्रिशला उन्हें 16 स्वप्नों के विषय में बताती हैं। हे प्रिय, आज अचानक बिना सूचना के कैसे आना हुआ? आज रात के अंतिम पहर में हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 16 सपने देखे। इसके बाद रानी स्वप्न फल कथन के लिए कहती हैं, तो राजा सिद्धार्थ अवधि ज्ञान से जानकर उन्हें भगवान महावीर के जन्म लेने की जानकारी देते हैं। सुनो प्रिय, मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है, धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग हमारा है। इसके बाद स्वर्ग से आई देवियां माता को उपहार भेंट करती हैं। श्री देवी ने देखो कंघी थामली, केश बना के उसने खुशियां मान ली है। आयोजन के तीसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत नित्य महा पूजन वंदन एवं अभिषेक के साथ हुई। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम ह्रं वं हम हम सम सम तम तम पम पम थम झम झीम झीम छीं छीं ग्रं ग्रं ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। अभिषेक के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु की शांति धारा की। ओम नमः देभ्या, ओम नमः देभ्या, ओम नमः देभ्या, श्री वीतरागाय नमः, ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पास्तीथंकराय द्वादशगढ़ परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय। शांति धारा के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। तंडुल पुष्प कै शरसु दीप सुधूप फरद कै कमल मंगल गानी रवा गुले जिन गहे दिनेश महा। अगले क्रम में जन्म कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। वे जान लेते हैं भगवान महावीर स्वामी का जन्म हो चुका है। रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे, ओ देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, देखो स्वर्गपुरी अमृत बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे। अब सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ कुंडलपुर पहुंचते हैं और राजा सिद्धार्थ से अनुमति लेकर शची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने की कहते हैं। शची इंद्राणी जाने में सकुचाती हैं, तो सौधर्म इंद्र उन्हें समझाती हैं। हे शची, तो सुनो, आप अपनी माया से मायावी बालक को निर्माण करिए और जहाँ पर माता सोई है वहाँ माता को मायावी निद्रा में सुला देना और फिर इस मायावी बालक को माता के पास रख देना। इसके बाद शची इंद्राणी मायामयी बालक को प्रकट करती हैं और प्रसूति गृह में रानी त्रिशला को अपनी माया से गहरी नींद में सुलाकर मायावी बालक के बदले तीर्थंकर बालक को ले आती हैं। सुन ले मेरी इंद्राणी, लल्ला को मोए दिखाई दे, उनके दर्शन करवाई दे, मन की तृष्णा बुझ जाएगी, ओ मेरे मन की तृष्णा बुझ जाएगी। सुन लो शची इंद्राणी, सुन लो शची इंद्राणी, ललना को मोए दिखाई दे, उनके दर्शन करवाई दे, मन की तृष्णा बुझ जाएगी, ओ मेरे मन की तृष्णा बुझ जाएगी। सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं ना ही दर्शन करवाऊं, ललना को ना ही दिखाऊं ना ही दर्शन करवाऊं, क्यों इनको नजर लग जाएगी, ओ स्वामी इनको नजर लग जाएगी। सौधर्मेंद्र कह रहे हैं, एक बार दे तो प्रभु जी मारा हाथ मां, थारी घणी रे करूं मैं मनवार, प्रभु जी मारा हाथ में दो, थारी घणी रे करूं मैं मनवार, प्रभु जी मारा हाथ में दो। लीजिए नाथ, अपने नैनों को धन्य कीजिए।
अरे आखिर करते थे तुम्हारा सर का ही सरताज हो, आखिर करते थे तुम्हारा सर का ही सरताज हो, सर का ही सरताज हो। ले लो लोजी ले लो प्रभु जी अब हाथ खुशी रो भंडार भरो, ले लो प्रभु जी अब हाथ खुशी रो भंडार भरो। सौधर्म इंद्र के काफी आग्रह करने के बाद सचिंद्र रानी तीर्थंकर बालक को उन्हें सौंप देती हैं। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए, बस तेरा। तीर्थंकर बालक के दर्शन का यही वह अद्भुत पल था जब महोत्सव में उपस्थित जैन समाज के दानवीर भामाशाह श्री अशोक पाटनी और श्रीमती सुशीला पाटनी भी भावुक हो उठे। उनका भावुक होना भी लाजमी था क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के पंचकल्याणक में सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य जो उनके अहमदाबाद निवासी पुत्री दामाद श्री रोहन जी कटारिया श्रीमती अमिता जी कटारिया को प्राप्त हुआ। अगली श्रृंखला में जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद पांडुकशिला पर विराजमान प्रभु का जन्म अभिषेक किया गया। ओम रीम श्रीम क्लीम ईम ह्रम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रवय द्रवय ओम नमो रते भगवते श्रीमती पवित्र क्षीर सागर जलम सिंचे नमः स्वाहा। अब समय था आरती का। श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवरों की आरती उतारी। अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हैं। सौभाग्यशाली श्रद्धालु श्री जी को पालना झुलाते हैं। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान, सारी दुनिया खुशी मनाए देव करे गुणगान, धरा पे जन्मे हैं भगवान जन्म कल्याण। प्रसंग के अनुसार अब तीर्थंकर बालक सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करती हैं। शुभ शुभ करती रेल चली है जीवन की। इसके साथ ही पंच कल्याणक महामहोत्सव में चक्रवर्ती राजा की भूमिका निभा रहे मदनगंज किशनगढ़ आर के मार्वल्स पाटनी परिवार श्री अशोक पाटनी और श्री विमल पाटनी जी के भाई भाभी श्रावक श्रेष्ठी श्री सुरेश पाटनी जी श्रीमती शांता जी पाटनी की चक्रवर्ती षटखंड विजय यात्रा निकाली गई। चक्रवर्ती यात्रा के पश्चात सभी भक्त पांडाल में पहुंचे, जहां पंच कल्याणक कमेटी पदाधिकारियों ने राजा चक्रवर्ती के साथ पाटनी परिवार के सभी सदस्यों का अभिनंदन कर अगवानी की। नगर में चक्रवर्ती के आगमन की खुशियों से समूचा नगर हर्षित दिखाई दे रहा था। सभी संगीतकार राम कुमार जी के भजनों पर नृत्य कर खुशियों का आनंद उठाने में मग्न रहे। श्री महावीर जी का ये पंच कल्याणक महामहोत्सव मदनगंज किशनगढ़ के आर के ग्रुप पाटनी परिवार के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ। पाटनी परिवार का हर एक सदस्य प्रभु महावीर जी की भक्ति के अनुपम क्षण को गंवाना नहीं चाहते थे। चलिए भक्ति के साथ चक्रवर्ती की सेना चली।
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के इस पंच दिवसीय आयोजन के चौथे दिन कार्यक्रम की शुरुआत नित्य महा पूजन वंदन एवं अभिषेक के साथ हुई। ओम रीम श्रीम क्लीम ईम हरम वम मम मम हम सम सम तम तम बम बम झम झम झिम 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 द्रम द्रम द्रिम द्रिम द्रवय द्रवय ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। अभिषेक के पश्चात पुण्य प्रतापी जैन उपासकों ने श्री जी की शांति धारा कर विश्व में शांति सद्भाव की कामना की। ओम नमः देभ्यः ओम नमः देभ्यः ओम नमः देभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पास्तीथंग्राय द्वादश गण वरिष्ठाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुव सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय। अब समय था तप कल्याणक प्रसंग का। अब तीर्थंकर महावीर स्वामी युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं और उनका राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक के बाद विभिन्न प्रदेशों के राजा महाराजा सम्राट महावीर स्वामी को उपहार भेंट करती हैं। कुछ समय बाद तीर्थंकर महावीर स्वामी को पूर्व भव का स्मरण होता है और उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं और उनके वैराग्य भाव की प्रशंसा करते हैं। हम आपके वैराग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। नमोस्तु। अब तीर्थंकर महावीर स्वामी वन गमन के लिए पालकी में विराजमान हैं। माता पिता परिजन व प्रजा अश्रुपूर्ण गुहार कर उन्हें रोकते हैं, लेकिन तीर्थंकर अपने निर्णय पर अड़िग हैं। इतना दुलार किया तुझको तेरी माता ने, रो रो के बुलाऊं तुम्हें। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इधर पालकी उठाने के लिए जब देवता और मानवों में विवाद होता है तो गुरुवर विवाद को निपटाते हुए पहले मानवों को पालकी उठाने का निर्णय देते हैं। हे गुरुवर, हमने भगवान का गर्भ कल्याणक बनाया, जल कल्याणक बनाया, आज तब कल्याणक में ये मनुष्य लोग कह रहे हैं कि पालकी हम उठाएंगे। हे गुरुदेव, निर्णय कीजिए। हे गुरुदेव, ये हमारे राजा हैं, हमारे बीच रहे हैं, बड़े हुए हैं, आज देवता लोग कह रहे हैं कि पालकी हम उठाएंगे। हे गुरुदेव, आप निर्णय कीजिए, ये हमारा अधिकार है कि जो का शरीर जो है वो वैक्सीन शरीर है और संयम जो है औदारिक शरीर धारण जाना करते हैं और औदारिक शरीर धारण करके वे निर्वाण को भी प्राप्त करते हैं। इसलिए पहला अधिकार आपका होते हुए भी ये बात होती है कि मनुष्य को पालकी पालकी उठाने का पहला अवसर दिया जाना चाहिए। इसी अवसर पर परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने भक्तों को तीर्थंकरों के वैराग्य का कारण बतलाया। संसार के दुख से पीड़ित और उन दुखों को समझ करके जिन्होंने अपने पूर्व होम में दीक्षा धारण की थी और स्वर्ग से च्युत होकर के फिर भगवान महावीर की प्रजा में उन्होंने जन्म लिया, उन संस्कारों के वशीभूत आज यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान महावीर स्वामी का तप कल्याणक देखने का अवसर। अब समय था दीक्षा संस्कार का। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने तीर्थंकर महावीर स्वामी के दीक्षा संस्कार किए। इसके साथ ही गुरुवरों ने नवीन प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित किए। आरे
दीक्षा संस्कार के दौरान श्रद्धालुओं ने पिच्छी कमंडल एवं शास्त्र भेंट किए। जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्वपानते सद्गुण प्रणुत चंदनेन ते कीर्तिवत्सकल। तीर्थंकर महामुनिराज महावीर स्वामी की। तीर्थंकर महामुनिराज महावीर स्वामी की। दीक्षा संस्कार के बाद इंद्र इंद्राणी एवं श्रद्धालुओं ने प्रभु गुरुवर एवं माताजी की आरती उतारी। चौथे दिन सांध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के संदेशमयी नाट्य मंचन प्रस्तुत किया गया। केवल ज्ञान कल्याणक प्रसंग की श्रृंखला में दीक्षा के बाद प्रथम बार भक्तों को महामुनिराज का पड़गहन के साथ आहार दान कराने का परम सौभाग्य मिला। आहार विधि के अनुसार पहला आहार राजा कुंभ के द्वारा कराया गया। यही सौभाग्य आर के ग्रुप के पाटनी परिवार के सदस्यों को प्राप्त हुआ। नवदीक्षित मुनिराज को आहार दान देकर जहाँ पाटनी परिवार अपने आप को धन्य बना रहे थे, वहीं सभी भक्त महामुनिराज की आहारचर्या देखने के लिए ललायत भी थे। त्रिशिला माँ के लाल का मुखड़ा चंदा सा निमुखड़ा चंदा सा। हे त्रिशिला माँ के लाल, हे त्रिशिला माँ के लाल का मुखड़ा चंदा सा निमुखड़ा चंदा सा। इस पावन दिन पर महोत्सव का वातावरण और अधिक यादगार तब हो गया जब मंगल जय घोष के साथ राजा श्रेणिक की शोभा यात्रा निकाली गई। राजा श्रेणिक बने श्रावक श्रेष्ठी श्री अंकित जी नैना जी पाटनी के साथ अन्य भक्तों ने धर्म प्रभावना के साथ शोभा यात्रा का आनंद उठाया। सत्ताईस नवंबर ये वे पावन दिन था जब 24 वर्षों के बाद 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जी के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की मूल प्रतिमा जी का महामस्तिकाभिषेक प्रारंभ हुआ। चांदनपुर के बाबा के इस महामस्तिकाभिषेक के प्रथम कलश का सौभाग्य भी पाटनी परिवार को प्राप्त हुआ। या कहें कि ये पाटनी परिवार के भवों का पुण्य ही था कि श्री महावीर जी के छोटे से लेकर बड़े हर आयोजन में उनकी सहभागिता सर्वश्रेष्ठ रहती है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि जैन धर्म के दानवीर भामाशाह, श्रेष्ठ श्रावक मार्वल किंग, धर्मपरायण और महान समाज सेवी अशोक पाटनी जी हैं, जिन्होंने भगवान बाहुबली का महामस्तिकाभिषेक का प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। पाटनी परिवार के सौभाग्य की ये तो सिर्फ वानगी भर है। पाटनी परिवार ने परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री श्रवण बेलगोला में विराजमान बाहुबली भगवान के वर्षों के अंतराल से आयोजित होने वाली महामस्तिकाभिषेक महोत्सव 2018 के ऐतिहासिक महामस्तिकाभिषेक में भगवान बाहुबली के प्रथम कलश अभिषेक का सौभाग्य पाया। ये वही श्री अशोक पाटनी है जिसकी समाज के हर छोटे बड़े आयोजन में सहभागिता उस उत्सव को महोत्सव में बदल देती है। इसी का ही फल रहा कि फरवरी 2022 में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कुंडलपुर में हुए भव्य एवं ऐतिहासिक पंचकल्याणक महामहोत्सव में श्री अशोक जी पाटनी ने ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के साथ साथ पंचकल्याणक का आनंद उठाते हुए कुंडलपुर के बड़े बाबा का प्रथम कलश से महामस्तिकाभिषेक का गौरव प्राप्त किया था। जिनवर का करो अभिषेक बहा कर नित्य शुद्ध जल धारा धुल जाएगा पाप हमारा। या फिर बात करें महाराष्ट्र के शिरपुर की तो आचार्य श्री के सानिध्य में ध्वजारोहण कर्ता के साथ साथ परिवार सहित लगभग 12 दिनों तक गुरु भक्ति का भी सौभाग्य प्राप्त किया था।
धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में श्री अशोक पाटनी जी सदा ही आगे रहते हैं और ठीक यही आचरण अशोक पाटनी जी की धर्म पत्नी श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी जी का भी है। धर्म परायण आचरण का ही प्रभाव है कि जैन नियमों का प्रतिपालन करते हुए श्रीमती सुशीला जी पाटनी 5 प्रतिमाधारी व्रत का भली भांति पालन कर रही है। धर्म और दान के क्षेत्र में आगे रहने वाले पाटनी परिवार के सौभाग्य में और भी वृद्धि जब हुई तब श्री महावीर जी की अतिशयकारी भूमि में 24 से 28 नवंबर 2022 तक आयोजित हुए भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव में श्री अशोक जी पाटनी जी के भाई श्री सुरेश पाटनी श्रीमती शांता जी पाटनी को चक्रवर्ती राजा श्री अशोक पाटनी की सुपुत्री श्रीमती अमिता कटारिया एवं दामाद श्री रोहन कटारिया जी को सौधर्म इंद्र और इंद्राणी श्री अंकित जी नैना जी पाटनी को राजा श्रेणिक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं 24 वर्षों बाद होने वाले भगवान महावीर जी के 21वीं सदी के प्रथम महामस्तिकाभिषेक में भी श्री अशोक पाटनी जी के परिवार ने हर अतिशय क्षेत्रों की तरह प्रथम धारा से प्रभु का अभिषेक कर ये सिद्ध कर दिया कि उन्हें दुनिया यूं ही नहीं दानवीर भामाशाह कहकर पुकारती है। आज हमारे परिवार को प्रथम अभिषेक करने का जैन सकल जैन समाज ने और यहाँ की कमेटी ने जो हमारे को अभिषेक कराने का निर्णय लिया तो हमारा परिवार अभिषेक करके और धन्य हो गया। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमें ऐसा मौका बार बार देता रहे। हम भी भाव विभोर हो गए, हमारा भी अभिषेक करने में हम तो कल्पना कर रहे थे कि हे प्रभु हमने ऐसा क्या पुण्य किया जो हमारे को ऐसा मौका हमारे परिवार को मिला और हम तो बिल्कुल धन्य हो गए अभिषेक करके। और हम यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि बार बार इसी तरह का मौका हमें मिलता रहे। हम तो बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे प्रिय परिवार ने किया, अभी हमारे परिवार वालों लोगों ने आदो ने किया है, हम लोग देख के आ रहे हैं, मतलब इतने आनंदित है कि ऐसा लगता है कि हम क्या करें। ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि जो हमको कुंडलपुर के बड़े बाबा सांगानेर के आदिनाथ और कॉमटेश्वर बाहुबली और फिर अभी चौथे नंबर में बाहुबली ये महावीर भगवान चांदनपुरी वाले बाबा। और फिर 24 वर्षों के बाद 24वें तीर्थंकर श्री महावीर के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की मूल प्रतिमा जी के महामस्तक अभिषेक में पाटनी परिवार के द्वारा प्रथम कलश डुराने के बाद टीले वाले बाबा के महामस्तक अभिषेक का सौभाग्य लेने के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगना शुरू हो गई और देखते ही देखते हर श्रद्धालु पुण्य के भागी बन स्वर्णिम पलों के साक्षी बने। इस मध्य महोत्सव में अब भगवान समवशरण में विराजमान हैं। भगवान के समवशरण में देव मानव दानव पशु पक्षी आते हैं और गणधर के रूप में गुरुवर प्राणियों के कल्याण के लिए दिव्य देश न देते हैं, वहीं सभी की शंकाओं का समाधान भी करती हैं। मेरी एक शंका है कि क्या सची इंद्राणी, हमने शास्त्र जी में पढ़ा है कि तत्वासूत्र में भी आता है कि सची इंद्राणी एक भववासी होती है फिर वो नियम से मोक्ष जाती है, तो पंचम काल में इसकी किस तरह से इसका जो हम पंच कल्याणक में अगर सचिन रानी और सोधर मित्र बनते हैं तो उसका क्या ऐसा पुण्य का उदय होता है और आगे उनका ऐसा क्या ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है जो उनको आगे जाके ऐसा क्या होगा वो मुझे जानना है, क्या फल होगा। अभी पंचम काल चल रहा है, आपके प्रश्न में ये शब्द भी जुड़ा हुआ था कि पंचम काल में मैं अपने इस पद को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। सची इंद्राणी का पद प्राप्त करना भी कोई सामान्य बात नहीं है, यद्यपि ये बात सुनिश्चित है कि एक स्त्री पर्याय होकर के भी जब सची इंद्राणी का पद प्राप्त होता है तो एक भावतारी होती है, लेकिन पंचम काल में ऐसा होना संभव नहीं है। और इसलिए उस पुरुषार्थ को करते करते अभी आप तो केवल सम्यक दर्शन प्राप्त करके और अपने मिथ्यार्थ के दोष को दूर करके स्त्री पर्याय की प्राप्ति का नाश कर सकती हैं और आगे चल करके फिर ऐसी पर्याय स्त्री के पर्याय जो प्राप्त हो तो उसमें आप पुरुषार्थ करके और अपने इस स्त्री पर्याय रूपी पाप से मुक्त हो सकती हैं। 5वें दिन रात्रि बेला में कलाकारों की प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस भव्य आयोजन के अंतिम दिन यानी 28 नवंबर 2022 को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु की आराधना एवं मांगलिक क्रियाओं के साथ हुई।
चंदन तंदुल पुष्प कै चरसु दीप सुदूप फल कै। अगले क्रम में जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु का जलाभिषेक किया। नवशीर सिंधु जल इंद्र चलो मिल के सभी एक साथ शीर सिंधु को चले। अभिषेक के बाद श्रद्धालुओं ने श्री जी की शांति धारा की। ओम नमः देभ्या, ओम नमः देभ्या, ओम नमः देभ्या, श्री बीत नागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पास्तीथंकराय द्वादशगढ़ परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय। अगली कड़ी में मोक्ष कल्याणक प्रसंग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी तपस्या में लीन हैं। अचानक धीरे धीरे भगवान मोक्ष की ओर गमन कर जाते हैं। शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। भगवान के मोक्ष गमन के बाद अब वहाँ केवल नख एवं केश रह जाते हैं, जिन्हें सौधर्म इंद्र लेते हैं और स्वर्ग से अग्नि कुमारों को बुलाते हैं। अग्नि कुमार नख एवं केशों का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार करते हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी कोठारी, कार्य अध्यक्ष श्री राकेश जी सेठी ने सभी पात्रों के साथ साथ सहयोगियों का भी आभार व्यक्त किया। इस समारोह में मैंने जीवन में 50-100 पंच कल्याणक देखे और कराए, लेकिन सौधर्म इंद्राणी की जो भूमिका मैंने देखी वो मेरे नक्शे पटल से आज नहीं बढ़ी। हमारे प्रतिष्ठाचार्य यथा नाम तथा गुण हंस मुख, इनके मुख में ही सरस्वती है, और अगर इनका नाम हम हसमुख कर दें तो इनके चेहरे पर भी हर समय हंसी है। इन्होंने जिस प्रकार अपनी समस्त टीम के साथ इस पंच कल्याणक का निर्देशन किया है। कार्यक्रमों की इसी कड़ी में भक्तों ने मोक्ष कल्याणक का मांगलिक पूजन किया और विश्व शांति महायज्ञ में पूर्ण आहुति देकर अपने जीवन को धन्य किया। पंच कल्याणक महोत्सव में सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य श्री अशोक जी पाटनी के पुत्री दामाद श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं श्री रोहन जी कटारिया को प्राप्त हुआ, जिन्होंने स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए अपने हृदय के उद्गारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। कलश करके हमारे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे भाग्य का उदय हुआ है ऐसा लग रहा है, और ये मौका हमें 24 साल बाद मिला है और पहली बार जिंदगी में मौका मिला है, इससे पहले तो हमने करे नहीं थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व हो रहा है। पूरा हमारा पूरा परिवार यहाँ पे है, एवरीबॉडी इज हियर, सो बहुत अच्छा लग रहा है। सब ने मिलके आज कलश किए, बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें ये सौधर्म इंद्र बनने का जो मौका मिला उससे भी हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। महोत्सव का इस पल का इस समय का बड़ा इंतज़ार था, और ये समय इतने ईजिली निकल गया, हमको बड़ा वो लग रहा है कि क्यों ख़त्म हो गया। मतलब इसका 5-4 दिन ऐसे मतलब फटाफट निकले, हम पिछले 4-3 महीने से इसका इंतज़ार था और अभी ऐसे निकल गए। और जो आज कलश किया वो बड़ा ही जो पूरे परिवार को एक साथ मिलके जो वहाँ पे वो माहौल था, और जो भगवान जी और जो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी बैठे थे वो घड़ी वो समय बहुत ही अद्भुत, बहुत पावर दे रही थी। दर्शकों, आज आपने देखी श्री महावीर जी पंच कल्याणक महामहोत्सव की पावन झलकियां। राजस्थान के करौली स्थित चांदनपुर के श्री महावीर जी में ये 24 से 28 नवंबर 2022 के मध्य आयोजित किया गया। पंच कल्याणक महोत्सव में भक्तों को परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज ससंग का पावन सानिध्य मिलना परम सौभाग्य की बात रही। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो दर्शकों, उससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सर्विद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गवाए शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।